हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम रीजनिंग का टॉपिक करने जा रहे हैं। रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन का, इसको करेंगे आज हम। तो इस टॉपिक में से 100% आपका क्वेश्चन जो है आता ही आता है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन जो है आपका आया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात की रीजनिंग के जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो मीडियम लेवल पर आते हैं। ज़्यादा हार्ड जो है नहीं आते हैं, ना ही ज़्यादा इजी, मतलब मीडियम लेवल रहता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फोकस जो है ज़्यादातर म्यूज़िक की तैयारी करने में रखें, और बाकी जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट का जो पेपर है, कॉमन पेपर है, उसकी तैयारी आप मीडियम लेवल पर करें, और ज़्यादा तैयारी जो है आप म्यूज़िक की करें, क्योंकि ज़्यादा पेपर जो है म्यूज़िक का ही आने वाला है, 80 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है कंप्लीट ठीक हो, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और जो KVS में क्वेश्चन आया था पिछली बार उस क्वेश्चन को भी जो हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए पूरे आखिरी वीडियो तक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करेंगे सबसे पहले हम डायरेक्शन की। तो हमारे चार डायरेक्शन जो है होते हैं। सबसे पहले आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है, फिर है आपकी वेस्ट, नॉर्थ आपकी साइड होती है, और आपकी साउथ। ये आपकी चार डायरेक्शन है, क्लियर। और आपकी सब डायरेक्शन भी चार ही होती हैं, टोटल आपकी आठ होती हैं, क्लियर। तो हमारी सब डायरेक्शन जो है देखते हैं। तो ये आपकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट है, क्लियर। नेक्स्ट आपका देखते हैं, आपका जो है ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, और ये वाली जो है आपकी साउथ वेस्ट है। ये आपकी सब डायरेक्शंस है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो आपने डायरेक्शन जानी चार होती हैं, सब डायरेक्शन आपने देखी चार होती हैं, टोटल हमारे पास डायरेक्शन जो बन गई वो इस तरीके से आठ बन गई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हम कि पर्सन जो है नॉर्थ के लेफ्ट साइड चला, नॉर्थ के राइट साइड चला, या साउथ के ईस्ट वेस्ट के, तो हमें पता होना चाहिए कि इन चारों डायरेक्शन का लेफ्ट राइट कौन सा बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारी है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ का लेफ्ट जो होगा आपका इस साइड होगा, और राइट जो है इस साइड होगा। समझ में आ गई? देखिए यहाँ पे देखो, साइड में नॉर्थ डायरेक्शन है ये आपकी, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या बनेगा इस साइड, और नॉर्थ का राइट क्या बनेगा इस साइड, क्लियर। अब बात करते हैं हम नॉर्थ के बाद हम बात करते हैं हमारे साउथ की। तो साउथ की डायरेक्शन किस साइड होती है, नीचे की साइड, क्लियर। तो नॉर्थ के अपोजिट में होता है ना साउथ, तो लेफ्ट राइट भी अपोजिट हो जाएगा। ये देखो अगेन, देखिए यहाँ पे साउथ होता है हमारा, क्लियर। नॉर्थ का अपोजिट करना है हमें, नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो गया, तो लेफ्ट राइट भी अपोजिट हो जाएंगे। लेफ्ट की जगह यहाँ पे हमारा क्या आ गया, राइट, और राइट की जगह क्या आ गया, लेफ्ट। इससे आपको याद रखने में जो है आसानी रहेगी, क्लियर। तो देखो यहाँ पे देखिए, ये आपका साउथ हो गया, साउथ का राइट कौन सा बनेगा इस साइड का, और लेफ्ट किस साइड बनेगा इस साइड का, ठीक है। नॉर्थ का और साउथ का आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ईस्ट और वेस्ट की, क्लियर। अब ईस्ट की डायरेक्शन आपकी इस साइड है, ठीक है। तो ईस्ट का लेफ्ट जो बनेगा ऊपर वाला बनेगा, और ईस्ट का राइट जो बनेगा नीचे वाला बनेगा। तो सेम ईस्ट डायरेक्शन आपकी यहाँ पर है, लेफ्ट ऊपर वाला, राइट नीचे वाला। और अब आपका बच गया वेस्ट, तो वेस्ट अपोजिट कर देंगे, लेफ्ट राइट हमने ईस्ट साइड का जो देखा वो अपोजिट हो जाएगा, वेस्ट के राइट में आ जाएगा, इस साइड हो जाएगी, और वेस्ट का लेफ्ट साइड जो है इस साइड हो जाएगा। याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, पहले नॉर्थ का लर्न कर लो, नॉर्थ का लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। सेम आगे साउथ का कर लो, साउथ नॉर्थ का अपोजिट होता है, तो लेफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ईस्ट का लर्न कर लो, तो ईस्ट का लेफ्ट ऊपर होता है, राइट नीचे होता है, और सेम ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, वेस्ट। तो इसका राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में जो है इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी क्वेश्चंस में जो है ट्रिक यूज होगी।
ध्यान रखिए, हम सिर्फ डायरेक्शन का टॉपिक कर रहे हैं, डिस्टेंस निकालनी आपको अभी नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रही हूँ कि आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि पर्सन किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, तो वो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है नॉर्थ की साइड चला सबसे पहले, क्लियर। फिर वो कुछ देर चलता है और राइट की ओर टर्न कर जाता है, फिर वो रुकता है और कुछ देर चलता है, तो फिर वो आगे अगेन राइट डायरेक्शन की ओर चला जाता है। तो आपके पास जब दो सेम चीज आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट राइट आ गया, सेम सेम है, सेम सेम साइड चल रहा है ये, तो आपको अपोजिट करना होता है उसका, मतलब आपका डायरेक्शन का जो है अपोजिट हो जाता है। तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है आपका? साउथ, क्लियर। चाहे यहाँ पे लेफ्ट होते दोनों, तब भी आपका ये क्या बनता, आपका अपोजिट हो जाता है डायरेक्शन का। नॉर्थ का क्या बन जाएगा? साउथ। एक और देखिए, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन साउथ में खड़ा है, साउथ डायरेक्शन में, और वो पहले जो है लेफ्ट टर्न करता है, सेकेंड टाइम भी वो है लेफ्ट टर्न करता है। तो अब लास्ट फाइनली कि वो किस की तरफ फेस करके खड़ा है, किस डायरेक्शन की ओर है। तो जब दोनों सेम हो, लेफ्ट या फिर राइट, तो आपका जो डायरेक्शन होती है जिस साइड में वो खड़ा होता है इनिशियल पॉइंट पे, आखिरी में उसका अपोजिट हो जाता है। तो साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये ट्रिक जो है यूज होगी, क्लियर। अब बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है नॉर्थ में खड़ा है, पहले वो लेफ्ट चला, फिर वो लेफ्ट की ओर टर्न किया, फिर वो राइट की ओर टर्न किया, और फिर वो अगेन राइट की ओर टर्न किया। तो आपका लेफ्ट से राइट हमेशा कट जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट कट गए तो आपकी सेम डायरेक्शन आ जाएगी, वही जो बच गई नॉर्थ, क्लियर। अगर सेम इसी क्वेश्चन में हम देखें कि वो नॉर्थ की साइड खड़ा है, लेफ्ट साइड चला, फिर वो राइट टर्न कर गया, फिर वो राइट टर्न कर गया, तो लेफ्ट से राइट तो कट गया, अब क्या बचा? नॉर्थ का राइट। तो नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट। तो ये ट्रिक जो है यूज होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम क्वेश्चन के थ्रू उसको प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से ये ट्रिक्स जो है जितनी यूज हुई हैं। मेरी कोशिश रही है कि सभी जो आपको क्वेश्चंस करवा रहे हो उसमें ये सारे के सारे ट्रिक्स जो मोस्टली एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको क्वेश्चंस वही करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पर्सन है, ठीक है, वो चलता है नॉर्थ की ओर, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्थ लिखिए, ठीक है। बस एक चीज देखनी है कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है या डिस्टेंस का, तो आपको पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन देख लो कि डायरेक्शन पूछ रहा है या डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस में थोड़ा सा मेथड और हो जाता है, तो हम डायरेक्शन कर रहे हैं सिर्फ। वो क्या करता है? 100 मीटर चलता है, तो हमें इस चीज को नहीं देखना, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखना है किस किस डायरेक्शन में जा रहा है वो। ही टर्न्स टू हिज राइट, तो सेम लिख लो वो कौन से डायरेक्शन में टर्न कर गया, राइट में, एंड वॉक्स 50 मीटर, 50 मीटर चलता है। अगेन वो क्या करता है? टर्न करता है राइट की साइड, तो सेम लिख लीजिए राइट, एंड वॉक्स 100 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट में मुड़ जाता है, क्लियर। अब बताना है कि नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग। तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट कट जाएगा, तो नॉर्थ का राइट क्या होगा? देखो डायरेक्शन में बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ का लेफ्ट ये है, नॉर्थ का राइट ये है। तो अब नॉर्थ का राइट क्या बनेगा? ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट। इस तरीके से इजी वे में आपको क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, ठीक है। एक पर्सन है साउथ की ओर चल रहा है, तो लिखिए सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ में। तो आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, तो राइट लिख लीजिए, राइट की ओर टर्न कर रहा है, एंड वॉक्स 100 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अगेन वो क्या करता है? राइट की ओर टर्न कर लेता है और वॉक करता है 100 मीटर की। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो क्या करता है? लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है और फिर 50 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो लास्ट फाइनली किस में चलता है? लेफ्ट में, और वॉक करता है 30 मीटर की। अब बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, लेफ्ट से राइट कट गया, राइट लेफ्ट आपस में कट गए, तो क्या डायरेक्शन बच गई? साउथ। तो आंसर सेम आ जाएगा, साउथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक पर्सन है जो नॉर्थ ईस्ट की ओर चल रहा है, तो लिखिए नॉर्थ ईस्ट,
आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट. अब वो राइट की ओर टर्न कर जाता है एंड वॉक्स 50 मीटर. ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट. अब क्या करता है, लेफ्ट की ओर चलता है. और देन ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट की ओर टर्न करता है. एंड ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट चलता है. एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लास्ट में भी वो लेफ्ट में चलता है. तो लेफ्ट राइट काट दीजिए आपस में, अब बच गया लेफ्ट. तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? देखो सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए आपको. ईस्ट, नॉर्थ, ठीक है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है. तो नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको यहां बताया था और नॉर्थ वेस्ट जो है आपको यहां बताया था. अभी नॉर्थ ईस्ट है तो मैंने आपको नॉर्थ की डायरेक्शन भी बताई थी, लेफ्ट और राइट. तो अब नॉर्थ ईस्ट में खड़े होकर के वो लेफ्ट साइड चलेगा तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेगा? नॉर्थ वेस्ट में ना, तो इसका सेम राइट आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट. क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. एक पर्सन है जो राइट चलता है. अब देखो डायरेक्शन इसमें बता बाद में बताइए कि कौन सी साइड में खड़ा था. तो ईस्ट में खड़ा है, टुवार्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में खड़ा है और राइट साइड चलता है वो. क्लियर? ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर अगेन वो राइट चलता है. आफ्टर इट ही अगेन टर्न टू हिज राइट, फिर वो राइट चलता है. फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, अगेन वो राइट में चलता है. और अब लास्ट में हमें उसकी डायरेक्शन बतानी है. देखो 1 2 3 4. क्लियर? जब आपका 4 बार राइट या फिर 4 बार आपका जो है लेफ्ट आ जाता है तो वो आपका आंसर जो है सेम ही रहता है. दैट्स क्लियर? तो मतलब अगर 4 बार राइट आ गया या फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में 4 बार लेफ्ट आ जाता तो आंसर आपका वही रहेगा, ईस्ट. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ट्रिक्स माइंड में रखनी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. एक पर्सन है राइट चलता है. सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे, नॉर्थ में है वो, फिर राइट चल रहा है. अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, वॉक करता है 70 मीटर के. आफ्टर ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर. नाउ ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर. फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट. और अब आपको डायरेक्शन बतानी है. तो लेफ्ट से राइट आपका कट जाएगा, अब बच गए 3 राइट. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब आपके 3 राइट आ जाते हैं तो हमें इसका अपोजिट करना होता है, राइट का अपोजिट करना है हमें, डायरेक्शन का नहीं. तो राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट. तो हमें नॉर्थ का अब लेफ्ट बताना है. नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? आपका वेस्ट साइड हो गई. क्लियर? तो आपका ये जो है राइट आंसर है. अब हम चलते हैं जो हमारा केवीएस में क्वेश्चन आया था, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे को थे कि केवीएस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था. क्या हम ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद केवीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व कर पाएंगे? देखते हैं ये क्या डिफिकल्ट था या इजी था. तो एक पर्सन है अपने घर से चलता है और वॉक करता है 20 मीटर की टुवार्ड्स नॉर्थ की ओर. तो सेम लिखिए कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में. और घर की ओर से जो है सीधा चल रहा है और वो टर्न कर जाता है लेफ्ट साइड में. क्लियर? अगेन वो टर्न करता है राइट साइड में. क्लियर? और अगेन टर्न करता है वो राइट साइड में. अब हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है. तो मैंने क्या कहा था, लेफ्ट से राइट कट कर दीजिए. अब बच गया नॉर्थ का राइट, और नॉर्थ का राइट इस साइड होता है तो ईस्ट होता है. तो वेरी इजी क्वेश्चन, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था ये तो. ठीक है, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा इस क्वेश्चन को करते. तो ये हमारा केवीएस का क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था. तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि जितने भी क्वेश्चंस डायरेक्शन से बन सकते थे वो मैंने कुक करवाए हैं. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. अगर आप रीजनिंग की तैयारी आगे इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस करना चाहते हैं देन कमेंट जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच एवरीवन.